अरे ये कमला जी कहाँ गई? वो अपनी बेटी कल्पी को लेने गई हैं दीवान हाउस में। ये लो, मासी मामा चले गई और मैं यहाँ आ गया। शादी का मुहूर्त भी चल रहा है। हाँ मॉम बस आ रहा हूँ। क्या याद आ रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी मैंने ऐसे किसी का इंतजार किया? धीरज जरा पता करो ना, आर्यन कहाँ रह गया? जी भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हा भाग गया शादी के मंडप से? अरे भाई आप सब लोग क्या बात कर रहे हैं? हता होगा आर्यन, कहीं फंस गया होगा। हल करते हैं, प्यार करता है वो मेरी बेटी से। यजमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, यदि दूल्हा समय पे नहीं पहुंचेगा तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। ये कौन है जो मुझे बार बार दिख रहा है? ये मेरा अतीत है जो मुझे याद नहीं, लेकिन वो शख्स वो आर्यन तो नहीं है, तो फिर वो कौन है? दो बार कल्पी को खो चुका हूं कमला मां, फिर से नहीं खो सकता। आज अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। नहीं राघव बाबा, जो हुआ उसे दोबारा दोहराने नहीं दूंगी। मंडप में जाने का मुहूर्त हो गया, चलें? और बेटा आर्यन भी आ गया, अब तो चलना चाहिए। चल। बैठ जाओ। शुरू कीजिए पंडित। सॉरी सुहाना,
लेट हो गया। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज आने गया था व्हाट्सएप, और वो मोटरसाइकिल भी खराब हो गई थी। लो बेटा हाथ पकड़। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। अब आप दोनों जन एक दूसरे को वरमाला पहने। तुम ठीक तो हो ना सुहाना? अब बाकी की विधियां संपन्न करने के लिए आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए।
कल्पी। तुझे पता था कि तेरी आई को अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। बहुत सुंदर लग रही है तू। कैसी है तू आई? सिक्योरिटी, बाहर निकालो सबको यहां से, क्विक। एक मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? देता हूं। मेरा सबूत संजय जी, इस वक्त ये जो लड़की आपके सामने सुहाना बनकर खड़ी है, ये सुहाना नहीं, सुहाना नहीं, बल्कि की कल्पना यादव। यादव मैंने इसे सुहाना का चेहरा दिया। और ये सब मैंने आपके छोटे भाई धीरज के कहने पे किया। एक्चुअली अमन की वजह से हुए एक एक्सीडेंट में सुहाना की डेथ हो गई। और धीरज अमन को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने ये नाटक रचा। डॉक्टर मेहता, ये सब क्या है? क्या कह रहे हैं आप? बेटा, ये डॉक्टर मेहता क्या कह रहे हैं आप मत सुनो। अरे वो तो खुद कोमा में थे बेटा, उनका दिमाग ठीक नहीं है इस वक्त, इज नॉट स्टेबल। देखो ना, मुझे आपको मेरे अंदर अपने पापा नजर नहीं आते? आप जो कहोगे ना बेटा, मैं मान लूंगा। बोलो ना बेटा, एक और नाटक हिरन लगूंगा? तुम कहते थे ना ये लोग नाटक करते हैं, देखो ना आज ये लोग फिर नाटक कर रहे हैं। तुम बताओ, अगर तुम कह दोगे तो मैं मान लूंगा कि ये सब झूठ कह रहे हैं? अरे बता दो इनको कि ये कौन सा नाटक कर रहे हैं। अंकल संभालिए अपने आप, बता दो इनको। अंकल धीरज, बताओ ना। धीरज भैया, डॉक्टर मेहता सच कह रहा है।
अब तुम दोनों इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? पंडित जी है, मंडप है, सब कुछ तैयार है, चलिए। We'll be right back.